हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा दिन है दुबई में, और आज हम लोग टेरा साइट जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हमने भी क्योंकि अभी प्रॉपरली डिसाइड किया नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे सुबह 11:30 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। और बात करें ब्रेकफास्ट की, तो मैं तो इंस्टेंट पोहा मैं लेकर आया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये पोहा है, इंस्टेंट पोहा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ओट्स लेके आया था मैं, और ये वेज उपमा है जो मैं लेकर आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग को ना, इन लोग किसी भी तरीके का यूटेंसिल्स नहीं दे रहे हैं, तो हमने तो इसमें डाल के बना लिया। और खाते तो बन जाएगा इसमें, मैंने खा लिया, ये मेरे भाई का है। थोड़ा तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो इतना करना पड़ता है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हम कहाँ रुके हैं, तो हम आइबिस सेंट्रल होटल करके, यहाँ पे होटल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास। और मैं आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ बाहर का, तो कुछ ऐसा व्यूज़ है यहाँ से। तो इस होटल का मैंने 4 रात का पे किया है 12,000, जो कि आई थिंक दुबई के हिसाब से सही है, गिवन दैट ये एक मेट्रो स्टेशन के पास में, और मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा के 2 स्टेशन बाद ही ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन आता है, तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी इसके बारे में, इसका रूम टूर भी मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। चलो अब जल्दी से बाहर चलते हैं। तो ये हमारा होटल के बाहर का है, और पीछे कुछ ऐसा है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ पीछे का। तो कुछ ये है लोकेशन, और इसके सामने ही जो है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन है। तो ये फ़ायदा है मेट्रो स्टेशन के पास आपको होटल लेने का। तो जैसे ही हम लोग मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आए, हमारी ट्रेन निकल रही थी। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दुबई क्रीक, और दुबई क्रीक का एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। पर हम जा रहे हैं दुबई क्रीक, वहाँ से हम शायद जाएंगे अलसी, और फिर जो भी गोल्ड मार्केट है और परफ्यूम मार्केट है। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं दुबई क्रीक मेट्रो स्टेशन में, और अब यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं क्या है। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं अल जद्दाफ मरीन ट्रांसपोर्टेशन, वॉक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं 350 मीटर्स। तो चलो वहाँ चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं दुबई फेस्टिवल सिटी मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन में, और अगर आपके पास नॉल कार्ड है तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो इस बोट को या शिप को, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। और अच्छा तो है, आप यहाँ आ सकते हो। अब थोड़ा अलग है, अब दुबई के ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स से थोड़े दूर है, लेकिन बिल्डिंग्स तो मुझे यहाँ भी दिख रही हैं, और कुछ ऐसा है। और वहाँ सामने में एक हेलीपैड भी है। आई थिंक यहाँ पे शाम को आओगे तो ज़्यादा बेटर व्यूज़ मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि दिन में तो मेरे को कोई दिख भी नहीं रहा है। लिटरली 3-4-5 ही लोग थे उसके अंदर भी, शिप के अंदर भी। और आई थिंक सनसेट के समय ये बहुत अच्छा लगेगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, एकदम पसीना आ जा रहा है। तो अगर आप दुबई आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास सनस्क्रीन ज़रूर से हो। यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, आई डोंट नो द टाइमिंग्स, बट आई थिंक शाम को ही होता होगा।
अभी हमने खाना खाया, खाने में मैंने लिया था एग पराठा जो कि पड़ा 5.9 दिरहम का, और उसके अलावा दो समोसा भी लिया हमने जो कि टोटल पड़ा 4 दिरहम्स का, तो टोटल 10 दिरहम्स में हमारा लंच हो गया। उसके अलावा हमने लुलु हाइपर मार्केट से वाटर बॉटल भी लिया 1.5 लीटर का जो कि हमको पड़ा 2 दिरहम का। तो यार ये था दुबई क्रीक और उसके आसपास का एरिया, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा अगर आपको शाम को आना है ना, आई वुड से दुबई हार्बर इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और अगर आपको सनसेट भी देखना है तो दुबई हार्बर का सनसेट ज़्यादा अच्छा होता है, या तो आप अल सीफ का भी सनसेट देख सकते हो। ये यहाँ पे अगर आप नहीं भी आओगे, अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल। तो अभी हम लोग आ गए हैं शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन, और हम यहाँ से जा रहे हैं अल फहीदी, क्या है अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबरहुड, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबरहुड। यहाँ से करीब 600 मीटर्स का वॉक है, और ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा इंडिया जैसा ही है, ये आई थिंक ये एरिया डेरा साइड आता है, यहाँ से एयरपोर्ट भी थोड़ा पास है। पे क्या बोलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी शॉपिंग के लिए, कपड़े मिल जाएंगे, सोवीनियर्स भी मिल जाएंगे, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन आप बारगेन कर सकते हो, और एक अच्छी जगह है। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा, और गर्मी एक चीज़ है जो आई थिंक इट इज़ अ डाउन साइड ऑफ दिस पॉइंट कि यहाँ पे ये एयर कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इस तरफ आप खरीद वगैरह भी सकते हो काफ़ी कुछ आप, और बस वॉक करने के लिए आई थिंक यहाँ भी शाम के समय आप आओगे तो ज़्यादा बेटर भी मिलेगा, बट या इट्स अ गुड प्लेस ओवरऑल। तो हमने भी यहाँ से एक ट्रेडिशनल क्लॉथ ले लिया है जो मेरे भाई ने अभी पहना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, इसने ये लिया है, ये पूरा इसने सूट लिया है। तो ये जो तुमने पहना है इसको क्या बोलते हैं? कंदूरा। कंदूरा है भाई, कंदूरा ट्रेडिशनल अटायर है। ये हमको टोटल पड़ा है 55 दिरहम का, तो मैंने कार्ड से पेमेंट किया और मेरे कार्ड से 1250 रुपये कटा। इस वक्त मैं आ गया हूँ मीना बाज़ार में, और आप अलसिफ से डायरेक्टली ले सकते हो मीना बाज़ार के लिए फेरी, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अलसिफ से बनियास के लिए फेरी ले सकते हो, और बनियास से आप मीना बाज़ार के लिए फेरी ले सकते हो। बट आई वुड प्रीफर कि थोड़ा सा वेट कर लो अगर नहीं है फेरी, और डायरेक्टली आप अलसिफ से मीना बाज़ार के लिए फेरी ले सकते हो। बस कुछ ऐसा है मीना बाज़ार, सामने फेमस जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, दो पाकिस्तानी भाई जो हैं तो वो सब चीज़ यहीं पर है।
तो अभी हम लोग आ गए हैं शाम का स्नैक्स करने के लिए, काफ़ी थक गए थे, बाहर बहुत गर्मी भी है। अभी हम लोग नेपाली रेस्टोरेंट आए हैं और मैंने लिया है मोमो और हैप्पी ने लिया है आलू पराठा। तो ये था मीना बाज़ार, यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी जो कि एक नॉर्मल मार्केट में मिलती है, कपड़ा हो गया, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, खाना हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गोल्ड सूप और वहीं बगल में परफ्यूम सूप, तो चलो चलते हैं और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। ये है दुबई गोल्ड सूक और यही वो फेमस मार्केट है, दुबई का फेमस गोल्ड मार्केट, जहाँ पर आपको थोड़े सस्ते में गोल्ड मिल जाएगा। और इसके पास में है दुबई परफ्यूम सूक, जहाँ पर परफ्यूम्स फेमस हैं और काफ़ी सस्ते में आपको परफ्यूम्स मिल जाएगा। तो ये दोनों आसपास ही हैं। तो गोल्ड दुबई गोल्ड सूक आने के लिए आपको वहाँ जो मीना बाज़ार था वहाँ से आपको डायरेक्टली फेरी मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कहाँ से फेरी मिलेगी, एक दिरहम लेता है वहाँ से यहाँ गोल्ड सूक आने का, और 3-4 मिनट की राइड है। के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आ गया हूँ वापस मेट्रो स्टेशन में, जहाँ से अब मैं अपने होटल के लिए मेट्रो ले रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट करना मत भूलना, मैं आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे। नहीं मत हटिए, मत आ जाइए, आ जाइए।